हेलो दोस्तों नमस्कार मैं राजमहर आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आपको भी फ्री में फ़ोन मिला है और आप उसमें इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं आप यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं कॉल रिसीव कर पा रहे हैं परंतु आप इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं तो किस तरह से आप इसमें इंटरनेट है वो चला सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेना है अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में आपके फ़ोन में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको कौन सी सेटिंग इसमें ऑन करनी है कौन सी नहीं करनी है वो आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें तो कैसे आपको बता दूँ कि आप कॉल तो कर पा रहे हैं परंतु इंटरनेट है वो नहीं चला पा रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से हम वाईफाई को ऑन करके अपने दूसरे फ़ोन से इंटरनेट वो चला लेते हैं इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद में अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है वी तो आपको सबसे पहले वी आई एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है चलिए तो यहाँ से हम वी आई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं वी आई एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अब आपको जो आपको सिम मिली है उसी सिम के नंबर है वो इसमें ऐप में आपको डालने हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंटर मोबाइल नंबर आपको इस पर क्लिक करना है इस पर टैप करके आप अपने जो सिम के मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं तो चलिए यहाँ से हम अपने जो मोबाइल नंबर है वो डाल देते हैं उसके बाद में आपको सेंड ओ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है जैसे आप सेंड ओ टी पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके फ़ोन पे एक ओ कोड आएगा जो कि अपने आप इसमें फिल हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पर देखने को मिलेगा तो आप किस तरह से आप इस ऐप की मदद से इंटरनेट है वो चला सकते हैं तो गैस आपको इस ऐप में जो रिचार्ज है वो यहाँ पे दिखा रहा है तो आप इजीली अपने फ़ोन में इंटरनेट है वो चला पाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरह का पर देखने को मिलेगा अब आपको येस इनेबल नोटिफिकेशन इस पर आपको क्लिक करना है तो गाय जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको इस ऐप की परमिशन है इसको आपको अलाउ कर देना है परमिशन अलाउ करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरव्यू देखने को मिलेगा अब आपको इस ऐड को क्लोज कर देना है उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हमें बीस जी बी है वो मिल चुका है परंतु अभी हमारे पास में उन्नीस जी बी बचा हुआ है परंतु हमारे फ़ोन में इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है तो किस तरह से चलाएंगे इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है अपने फ़ोन से वाईफाई को आपको बंद कर देना है वाईफाई बंद करने के लिए ऊपर से आपको सिलाइड करना है सलाइड करने के बाद में इंटरनेट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको नीचे देखने को मिलेगा वाईफाई तो आपको इसको ऑफ कर देना है वाईफाई ऑफ करने के बाद में अब आपको क्या करना है अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है तो चलिए यहाँ से हम फोन की सेटिंग है उसको ओपन करते हैं फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है उसके बाद में आपको ऊपर देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट इस पर आपको क्लिक कर देना है इंटरनेट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आई इंडिया लिखा है इसके आगे आपको सेटिंग का आइकन इस पर क्लिक करना है सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑन होगा उसके बाद में डाटा रोमिंग ऑन कर देना उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ऐप डाटा यूज़ आपको इस पर क्लिक करना है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कौन सी ऐप में आपने सबसे ज्यादा डाटा है वो खर्च किया है उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेट डाटा वार्निंग आपको ये ऑन कर देना है और आपको यहाँ पे डेटा वार्निंग पे आपको क्लिक करना है जैसे आप डाटा वार्निंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे जितने भी नंबर आपको टाइप करने हैं उतने नंबर आपको टाइप कर देना है उसके बाद में आपको एम का ऑप्शन है नीचे आपको जी का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है जी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इसको यहाँ पर सेट कर देना है इसके बाद में आपको यहाँ से बेक आ जाना है थोड़ा आपको यहाँ से बेक आना है बेक आने के बाद में यहाँ पे हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है आपको यहाँ पे थोड़ा बेक आना है बेक आने के बाद में अब आपको यहाँ थोड़ा और बेक आना है उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा वोल्टी तो आपको फ़ोन में ये ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर देना है वॉल्टी ऑफ करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे देखने मिले एडवांस इस पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको नेटवर्क टाइप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे 4G पे है या फिर 3G पे या फिर 2G पे आपको 4G को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 4G सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है नीचे आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स इस पर आपको क्लिक कर देना है तो गैज जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पर वोडाफोन मोबाइल कनेक्ट आपको इस पर टिक कर देना है अगर आप अपना जो न्यू ए बनाना चाहते हैं तो आपको प्लस का आइकन एक न इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करके आप न्यू ए भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वोडाफोन मोबाइल कनेक्ट इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आपके मोबाइल में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने बी एस एन एल की सिम ली है या फिर वी आई की है और आपके अभी तक आपने आपको कौन सा फ़ोन मिला है तो गैस आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको मैं अभी इंटरनेट है वो चला के दिखा देता हूँ इंटरनेट चलाने के लिए हम यूट्यूब ऐप को ओपन करते हैं चलिए यहाँ से हम यूटूब ऐप को ओपन करते हैं यूटूब ऐप ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो चुका है वी आई की सिम से तो गैस इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में इंटरनेट है वो चला सकते हैं अगर आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आपके फ़ोन में अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ तो बहुत जल्दी आपके फ़ोन में रिचार्ज है वो मिल जाएगा